हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परमानों की एक रोमांचक कॉमिक सीरीज, जो राक्षस दिल्ली सीरीज। इस सीरीज में टोटल तीन कॉमिक्स है। पहली कॉमिक्स जुरासिक दिल्ली, दूसरी कॉमिक्स परमाणु और कौन, और तीसरी भीम परमाणु। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक्स। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं जोरासिक दिल्ली। सर्वविदित है कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवित प्राणियों के रूप में केवल सरीसृप जाति के विशालकाय डायनासोरस का ही राज था। महाकाय डायनासोर यानी ताकत, ताकत यानी निरंकुशता, निरंकुशता यानी मनमानी, मनमानी अर्थात जिसकी ताकत उसी की खुराक। हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही प्रकार के प्राणियों के पेट बड़े थे। उनके कारण पृथ्वी की समस्याएं बड़ी थी। खूंखार मांसाहारी एक दूसरे को मारकर खा गए। भयंकर उल्कापात हुआ, जिससे धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा कि उसने सूर्य की गर्मी को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दिया, जिससे भयंकर शीत पैदा हुई। शीत से तबाही मची, या महाप्रलय के रूप में फैली कोई भीषण महामारी, या पृथ्वी पर हो रहे उस राक्षसी रक्तपात की विभीषिका देख जीवन की रचना करने वाली कुदरत स्वयं अपनी उस भूल पर ठगी रह गई और अंततः स्वयं उसका विनाश किया। इंसान प्रकृति की इस विनाशकारी रचना के बारे में कभी ना जान पाता। अगर पृथ्वी के इतिहास की गर्त में दबे उनके जीवाश्म उसे ना मिलते तो। भीमकाय डायनासोरस के जितने भी चलचित्र या तस्वीर लोगों को रोमांचित करते रहे हैं, वो काल्पनिक थे, मगर सिर्फ कल तक। आज के सूर्योदय के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के घरों की खिड़कियां दरवाजे खुले तो तस्वीर जीवंत रूप में सामने थी। ब्रोंक, मम्मा डायनासोर अभी तक फिल्म में ही देखे थे। वाव, ओह माय गॉड, इसे बास्केट में भरे फ्रूट भा रहे हैं। वो वो दीदी, मैं इसके लिए कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी लाऊं? मुझे ये मशीनी लग रहा है। शायद इसे किसी म्यूजियम या चिड़ियाघर में ले जाया जा रहा हो। अगर ये मशीनी है तो चिड़ियाघर में मशीनों को नहीं रखा जाता, फिर चाहे ये असली जैसा ही क्यों ना हो। ओह नो डायनो, ये कहाँ से आ गया? आना तो परमाणु को था। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, पानी आए या ना आए बहाना चाहिए। उफ, पता नहीं ये दिल्ली जल बोर्ड की वाटर सप्लाई कब सुधरेगी। रोबोट को फिलहाल दिल्ली के आकाश पर परमाणु की सप्लाई की चिंता थी। विनय, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। रोबोट, इस हालत में आप मुझे ना ही देखे तो अच्छा है। लेकिन आपने मुझे विनय कहकर क्यों पुकारा? आपको क्या पता कि इस वक्त मैं परमाणु नहीं बना हुआ हूँ। अगर तुम परमाणु होते तो आकाश में उड़ रहे होते या किसी अपराधी को धूल चटा रहे होते। अगर तुम इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम विनय हो या इंस्पेक्टर विनय। मैं नहा चुका हूँ प्रोबोट, तो खुद को ड्रेसअप कर लो, लेकिन परमाणु की ड्रेस से। विनय के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजने लगी। प्रोबोट के शब्द किसी खतरे की पूर्व चेतावनी थे। बाहर तुम्हें ऐसा दृश्य देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर तुम अपने दांतों तले उंगली दबा लोगे। अब मैं आपको दिखाई देने लगा होऊंगा। निसंदेह अब तुम मेरे सैटेलाइट के कैमरे के दायरे में आ गए हो परमाणु। अब तुम्हें उड़ना है भजनपुरा थाना क्षेत्र से जुड़ी पाश कॉलोनी यमुना विहार की ओर। C12 ब्लॉक के फैंसी जनरल और अग्रवाल जनरल स्टोर वे सरकारी प्राइमरी स्कूल के मध्य। गुड, तुम पहुंच गए हो। हो नो, ये नहीं हो सकता, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। बीट कांस्टेबल C12 ब्लॉक सुभाष सिंह रिपोर्टिंग सर। खबर यही है सर। खबर सही है सर, डायनासोर घूम रहा है।
भजनपुरा एसएचओ को अभी तक भी उस घटना की सूचना पर यकीन नहीं हो रहा था। ये किसी की शरारत हो सकती है, वो मशीनी होगा, ऐसे 3-4 मशीनी डायनासोरस पुराने किले के पास स्थित नेशनल साइंस सेंटर में रखे हुए हैं, जो कि चलते फिरते और हरकतें करते दिखते हैं। चेक करो कि वह कहीं मशीनी डायनासोरस तो नहीं। बट सर, उसको चेक करने के लिए तो उसके पास जाना होगा, और मेरे पास उसको चेक करने का कोई तरीका भी नहीं है। मैं मेटल डिटेक्टर भेज रहा हूँ या मैं खुद पहुँच रहा हूँ? सर, परमाणु तो पहुँच भी गया है। परमाणु? और परमाणु को मेटल डिटेक्टर की जरूरत नहीं थी। रोबोट, ये कहीं से भी मशीनी नहीं है। अगर ये मशीनी होता तो इसके अंदर मशीनों का कंपन और उनकी आवाज़ें जरूर सुनाई पड़ती। इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए बहुत पावरफुल मशीन की ज़रूरत है। ताड़, उफ, इसने मुझ पर हमला किया। उसको खतरे की सेंस है, जैसे बड़े पशु अपनी पीठ पर आ बैठे पक्षियों को उड़ाते हैं। ये मेरा टेरेस गार्डन तबाह कर रहा है। ये सिवाय घास पत्ते खाने के कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसने तंग गलियों में घुसने की चेष्टा की तो ये बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोगों के लिए कोतूल और तमाशे की चीज बन गया है। बच्चे इसे देखकर बहुत रोमांचित और खुश हो रहे हैं। ले ले खा, वो बंदर नहीं है जो तुम्हारे फेंके फल लपक लेगा। उसको टंकी में पानी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। सड़म, नीचे पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। प्रोबोट, वो टन टन टन, मुझे लगता है इसको डार्ट मारकर बेहोश करके चिड़ियाघर ले जाने की कोशिश हो सकती है। ये बिफर सकता है या ज़्यादा डोज के कारण मर सकता है, और मैं इसमें से कोई भी बात नहीं चाहता। मुझे लग रहा है जैसे मैं जुरासिक पार्क फिल्म के किसी पात्र के रूप में काम कर रहा हूँ, और यमुना विहार का ये क्षेत्र जुरासिक पार्क है। मैं खुद इसको अपनी रेडिएशन फ्री परमाणु रस्सियों से बांधकर वहां पहुंचा देता हूं। परमाणु इसको अपनी किरणों से बांध रहा है। ऐसे में परमाणु को उड़ाने के लिए जेट इंजनों की पावर कई गुना बढ़ जाती है। वाओ, परमाणु, वंडरमैन परमाणु ही ऐसा शानदार काम कर सकता है। मैं तो उसके लिए दूध की थैली लाया था। पागल हुआ है क्या? वो क्या बिल्ली है जो एक थैली दूध से उसका पेट भरेगा? उसे तो दूध का पूरा टैंकर चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अरे दूध की थैली डायनासोर के लिए नहीं, अपने सुपर हीरो परमाणु के लिए लाया था, ताकि उसको डायनासोर को उठाने की ताकत मिले। सर, हमारा काम तो परमाणु ने कर दिया, अब हम क्या करें? तुम लोग, तुम एमसीडी के दफ्तर फोन लगाओ। डायनो ने सड़क पर ढेरों लीड कर दिया है, वो आकर उसको साफ करेंगे। डायनासोर को चिड़ियाघर में ही रखा जा सकता था। ये अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा ताकत लगाएगा तो अपने पाँव में पड़ी बेड़ियों को तोड़ डालेगा। इसके लिए हाथियों को पहनाई जाने वाली बेड़ियों से भी 4 गुना ज़्यादा मजबूत सांकले मंगवाइए। और हाँ, अगर इसे भूख सताएगी तो ये उपद्रवी हो सकता है, इसकी भूख का इंतजाम रखिए। परमाणु, उसको छोड़ो। इधर कांति नगर में स्वर्ण सिनेमा की ओर एक और डायनासोरस दिखाई पड़ रहा है। एक और डायनासोरस? इसने सड़क पर जाम लगा दिया है। ये भारी भरकम गेंडे जैसे शरीर का स्वामी थ्रोम्बोसोरस है, वो भी एक शाकाहारी डायनासोरस माना जाता है। ये क्या बला है? डायनासोर जुरासिक काल से निकलकर इस सड़क पर कहां से आ गया? मैंने अभी अभी रेडियो एफएम पर एक दूसरे डायनासोर की खबर भी सुनी है। कहीं दिल्ली जुरासिक पार्क तो नहीं बनने वाली? सवाल सोचनीय है रोबोट। अब मुझे सारा मामला और भी गंभीर लगने लगा है। ब्रॉक, इसमें 2 सवाल सबसे गंभीर है। पहला ये कि ये डायनासोर दिल्ली की धरती पर कहां से आ रहे हैं, और दूसरा खतरनाक सवाल ये कि अभी तक जो दो डायनासोर दिखाई पड़े हैं वो शाकाहारी है। ब्रॉक, क्या कहीं पर दिखाई पड़ने वाला है कोई मांसाहारी ट्राइनोसोरस भी? क्रयाओ, ब्रा, बचाओ, कोई बचाओ मेरी भैंसों को। बा बा, ट्राइनोसोरस जो अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद चीते की सिफुर्ती के लिए जाने जाते हैं। जुरासिक पार्क फिल्म के ट्राइनोसोरस के खूनी कारनामों ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया था। आज मामला
उनसे रूबरू आमने सामने का है। उनकी शैतानियत व खूंखारता की कल्पना ही खून जमा देने के लिए काफी थी। ओ नो, व्हाट द हेल इज दिस, हे भगवान, ओ नो, व्हाट द हेल इज दिस, ये तो साक्षात नरक का प्राणी है। कोई अब्राहम को बचाओ, वो राक्षस प्राणी उसको दबोच चुका है। ड्राइनोसोरस की क्रूरता व हिंसकता जग जाहिर है। ये लोग अपनी जान से खेल रहे थे। जिस पर गोलियों का तक का आसानी से असर ना होता हो, उन्हें कांच की प्लेटों से खरोच तक भी नहीं आनी थी। उफ, अब्राहम के शरीर को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके शरीर के टुकड़े मत गिनो, अपने होने से बचाओ। इसके लिए तो पूरी दिल्ली एक रेस्तरां है। मुझसे तो भागा भी नहीं जा रहा। क्या इसको पता था कि रेस्तरां में इसके खाने का भी बहुत सारा सामान मौजूद है? इस पैसाचिक प्राणी का पेट बहुत बड़ा था, भूख बहुत बड़ी थी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।